तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में सुपर हीरो मूवीज का क्रेज काफी बढ़ गया है। जहां आए दिन मूवीज में एक नए हीरो की एंट्री हो रही है, वहीं पुराने हीरोज और भी पावरफुल बनते जा रहे हैं। एमसीयू में हमने अब तक कई सारे सुपर हीरोज देखे हैं, जो कि एक से बढ़कर एक है, और अब वक्त आ गया है इन्हें रैंक करने का। आज हम एमसीयू के टॉप 10 पावरफुल सुपर हीरोज की बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा, जिससे आप घर बैठे आसान गेम्स खेलकर दिन के 10-15 हजार रुपए कमा सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है गेमजॉब। इसके लिए आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस क्रोम पर ओपन करिए gamesjob.com। यहाँ पर आप बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेल सकते हो और जीते हुए पैसों को पेटीएम से निकाल सकते हो या फिर मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, और फ्रेंड्स को रेफर करने से भी आपको पैसे मिलेंगे। इसके अलावा आप बम्पर प्राइज में मोबाइल, हेडफोन, वॉच और टीवी भी जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से gamesjob.com का फायदा उठाइए। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने कई सारे पावरफुल सुपर हीरोज देखे हैं, जिनमें से कुछ हीरोज की पावर्स लगभग सेम ही है। इसलिए यहाँ हम हर किसी को रैंक करने के बजाय 10 अलग अलग टाइप के सुपर हीरोज की ही बात करेंगे। तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है एंटमैन। स्कॉट लैंग यानी एंटमैन एमसीयू का सबसे छोटा मगर काफी दमदार हीरो है। स्कॉट के पास खुद की कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन हैंक पिम का ये साइज चेंजिंग सूट उसे बहुत पावरफुल बनाता है। इस सूट की हेल्प से स्कॉट एक चींटी के जितना छोटा बन सकता है, पर साइज कम होने से उसकी ताकत कम नहीं होती, इसीलिए स्मॉल साइज में वो बिल्कुल एक बुलेट के जैसा इम्पैक्टफुल बन जाता है। एंटमैन माइक्रोस्कोपिक लेवल तक छोटा होकर क्वांटम रियल्म को एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा एंटमैन काफी बड़ा भी बन सकता है। जायंटमैन बनने से उसकी स्पीड घट जाती है, लेकिन उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। साइज चेंजिंग के अलावा एंटमैन इंसेक्ट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। नंबर 9 पे है कैप्टन अमेरिका। स्टीव रॉजर्स, जो कि एक बीमार और कमजोर लड़का था, वो सुपर सोल्जर सीरम की वजह से बहुत पावरफुल बन चुका है। कैप्टन अमेरिका आम इंसान के मुकाबले कई गुना ताकतवर है। उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कमाल की है। वो अकेला ही कई लोगों को मार सकता है, यहाँ तक कि वो बड़े से बड़े एलियन से भी निपट सकता है। कैप्टन का स्टैमिना बहुत ज्यादा है, वो घंटों तक लड़ाई कर सकता है, और उसकी हीलिंग पावर भी जबरदस्त है। वो घायल होने पर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कैप्टन अमेरिका वर्दी है और वो म्यूनिर को उठाकर थॉर की पावर यूज कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी पावर्स है, इसीलिए कैप्टन अमेरिका 9 पोजीशन पर है। नंबर 8 पे है स्पाइडरमैन। एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से पीटर पार्कर में उस स्पाइडर के जैसी ही एबिलिटीज आ गई है। एक बच्चा होने के बावजूद भी वो बहुत पावरफुल है। वो भारी से भारी चीजों को आराम से उठा सकता है। वो मकड़ी की तरह ही ऊंची लंबी छलांग लगा सकता है, और वो दीवारों पर भी चिपक सकता है। स्पाइडरमैन की ताकत और रफ्तार एक सुपर सोल्जर से भी ज्यादा है। उसने सैम और बकी को आसानी से हरा दिया था। कैप्टन अमेरिका को भी उसने अच्छी टक्कर दी थी। पीटर की हीलिंग पावर और स्टैमिना तो जोरदार है ही, और उसके पास स्पाइडर सेंस जैसी एक कमाल की पावर भी है। भले ही अभी स्पाइडरमैन को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत पावरफुल सुपर हीरो है। नंबर 7 पे है हल्क। ब्रूस बैनर, जो कि इंसानी रूप में एक जीनियस है, वो गुस्सा आने पर एक खतरनाक राक्षस बन जाता है। हल्क एक ऐसा प्राणी है जिसकी ताकत के आगे बहुत ही कम लोग टिक सकते हैं, और गुस्से के साथ हल्क की ताकत और भी बढ़ जाती है। हल्क की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का कोई जवाब नहीं, और उसका स्टैमिना कभी खत्म नहीं होता। उसकी रीजनरेटिव हीलिंग पावर की वजह से उसे मार पाना लगभग नामुमकिन है। हल्क एक ही झटके में किसी के भी टुकड़े कर सकता है, और वो अपने से भी बड़े मॉन्स्टर्स को मार सकता है। भले ही प्रोफेसर हल्क बनने के बाद हल्क थोड़ा सा वीक हुआ है, लेकिन वो फिर भी बहुत पावरफुल है। उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके चुटकी बजाई, उसके बावजूद भी वो मरा नहीं। नंबर 6 पर है विजन। माइंड स्टोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना ये रोबोट बहुत पावरफुल है। हालांकि हमने विजन को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कम देखा है, पर उसकी शक्तियाँ लाजवाब है। विजन की बॉडी सिंथेटिक टिश्यू और वाइब्रेनियम से बनी है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो हर तरह के फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसने आसानी से अल्ट्रॉन के कई सारे रोबोट्स को मार दिया था। वाइब्रेनियम की वजह से विजन को फिजिकल पावर्स मिली, और माइंड स्टोन की वजह से कॉस्मिक पावर्स। वो एनर्जी बीम फायर कर सकता है, अपनी डेंसिटी चेंज कर सकता है, हवा में उड़ सकता है, और वो इनटेंजिबल बनकर किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। हालांकि विजन को लड़ाई करना पसंद नहीं है, लेकिन वो अच्छे अच्छे को हरा सकता है। नंबर 5 पे है आयरन मैन। टोनी स्टार्क को सब लोग उसके सूट की वजह से ही पावरफुल मानते हैं, पर सच तो ये है कि वो बिना अपने आर्मर के भी बहुत खतरनाक है। उसने एक गुफा में कचरे के ढेर से ही आर्क रिएक्टर और एक सूट बना लिया था। वो अपने सूट की मदद से बहुत कुछ कर सकता है। उसका ये आर्मर डिफेंस और अटैक दोनों के लिए ही काम आता है। इस आर्मर को पहन के कोई भी इंसान ताकतवर बन सकता है, लेकिन सिर्फ टोनी स्टार्क ही इसको सबसे अच्छी तरह यूज कर सकता है। आयरन मैन के पुराने सूट तो बढ़िया थे ही, लेकिन उसके नैनोटेक आर्मर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इस नए आर्मर से वो कोई भी हथियार बना सकता है। इससे उसने थैनोस को भी पछाड़ दिया था, और नैनोटेक आर्मर से ही उसने इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करके चुटकी बजाई और थैनोस और उसकी आर्मी को धूल बना दिया। नंबर 4 पे है डॉक्टर स्ट्रेंज।
जब साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी हदों पर पहुंच जाती है तब शुरू होते हैं चमत्कार यानी मैजिक। डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज एमसीयू का सबसे पावरफुल मैजिशियन है जो कि अपने जादू से कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल यानी मंत्रों का इस्तेमाल करके दूसरे डायमेंशन से एनर्जी हासिल करता है और इस एनर्जी को वो कई तरह से इस्तेमाल कर सकता है। एल्ड्रिच मैजिक से वो किसी भी तरह का वेपन और शील्ड बना सकता है। स्लिंग रिंग की हेल्प से वो किसी भी लोकेशन पर और कोई भी डायमेंशन में जा सकता है। क्लोक ऑफ लेविटेशन का इस्तेमाल करके वो उड़ सकता है और अपने दुश्मनों को मजा चखा सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने दिमाग और अपनी पावर्स से न सिर्फ डोरमामू को भगाया बल्कि उसने थैनोस को भी हराया। नंबर 3 पर है कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल एमसीयू के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। उसके पास कई सारी शक्तियां हैं। टेसरेक्ट क्यूब की एनर्जी एब्जॉर्ब करने से कैरल डेनवर्स वैसे ही बहुत पावरफुल बन गई थी, लेकिन क्री डीएनए की वजह से वो और भी स्ट्रांग हो गई। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जिससे वो कई सारे एलियंस को अकेले ही खत्म कर सकती है। उसकी सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी की वजह से कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। फोटोन ब्लास्ट का यूज करके वो किसी भी चीज को तबाह कर सकती है। कैप्टन मार्वल के पास फ्लाइंग पावर है। वो बहुत तेजी से उड़ सकती है और उसकी बाइनरी पावर्स तो कमाल की है। बाइनरी मोड में कैरल की शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती है। इस फॉर्म में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके और भी पावरफुल बन सकती है। नंबर 2 पे है स्कारलेट विच। वांडा मैक्सिमॉफ भी एक ऐसी कैरेक्टर है जिसको पावर्स मिली है एक इन्फिनिटी स्टोन से जो कि है माइंड स्टोन। वांडा के पास एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर है। वो दूसरे डायमेंशन से एनर्जी हासिल करती है, लेकिन इस काम के लिए उसे किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। वो एनर्जी ब्लास्ट कर सकती है, एनर्जी शील्ड बना सकती है और अपनी एनर्जी से किसी को भी ठीक कर सकती है। उसका केओस मैजिक बहुत ही खतरनाक है जो कि किसी का भी बुरा हाल कर सकता है। वांडा ने एक तरफ थैनोस को रोक के रखा था और दूसरी तरफ माइंड स्टोन को तबाह किया था। वांडा के पास टेलीकाइनेसिस की पावर है और वो माइंड कंट्रोल भी कर सकती है। वांडा की सबसे खास पावर है रियलिटी मैनिपुलेशन। वो अपने मैजिक से पूरी की पूरी रियलिटी ही चेंज कर सकती है और एक नई रियलिटी बना सकती है। वांडा के पास और भी कई सारी पावर्स है जो कि अभी तक हमें ठीक से दिखाई भी नहीं गई है। नंबर 1 पे है थॉर। कुछ लोग इस बात से हैरान हो सकते हैं, लेकिन गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। अब तक हमने जितने हीरोज की बात की है उन सबको अपनी पावर्स किसी एक्सटर्नल सोर्स से मिली है, लेकिन थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है। उसकी सारी पावर्स इनबॉर्न है। थॉर की ताकत बेमिसाल है। उसके आगे बड़े से बड़े एलियन भी नहीं टिक सकते। उसका शरीर बेहद मजबूत है। वो बुरे से बुरे हाल में भी जिंदा रह सकता है। थॉर की लाइटनिंग पावर्स बहुत खतरनाक है। वो ना सिर्फ आसमान से बिजली गिरा सकता है बल्कि वो खुद भी बिजली पैदा कर सकता है। ये लाइटनिंग एनर्जी किसी को भी जलाकर राख कर सकती है। थॉर के पास म्यूनियर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे डेडली वेपन्स है जिससे वो किसी का भी बुरा हाल कर सकता है। थॉर की उम्र 1500 साल है। उसने अब तक हजारों जंग लड़ी है, इसीलिए बाकी हीरोज उसके सामने बिल्कुल बच्चे हैं। ओडिन के मरने के बाद थॉर को ओडिन की भी पावर्स मिल चुकी है, इससे वो और भी पावरफुल बन गया है। इन सब बातों की वजह से ही थॉर एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। तो दोस्तों, ये थी एमसीयू के टॉप 10 पावरफुल सुपर हीरोज के बारे में एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और हाँ, gamesop.com पर जरूर विजिट करिए, क्योंकि गेम्स खेलने से आसान तरीका नहीं है पैसे कमाने का। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी जाओ, खेलो और जीतो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.